हिमाचल के मुख्यमंत्री द्वारा रामपुर में ऑनलाइन किए जाने वाले विभिन्न उद्घाटनों को लेकर विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। लोगों का आरोप है कि जिन भवनों का लोकार्पण किया जाना है वास्तव में वे भवन बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं है। कहीं पर बिजली पानी व सीवरेज व्यवस्था नहीं तो कहीं स्टाफ व फर्नीचर नहीं है। इतना ही नहीं, जिन विभागों के ये भवन है उन्हें भी जानकारी नहीं कि उनके परिसरों का लोकार्पण ऑनलाइन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह जल्दबाजी में किए गए उद्घाटन भविष्य में नुकसानदायक हो सकते हैं। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पहली बार रामपुर में नई प्रथा शुरू कर दी है कि भवन बनकर तैयार होने के बाद संबंधित विभाग भवनों का लोकार्पण न कर ठेकेदार एजेंसी ही भवनों का उद्घाटन करवा रही है। संबंधित विभागों द्वारा भवनों को टेक ओवर न करने का मुख्य कारण भवनों का काम अधूरा होना माना जा रहा है। इस तरह से जल्दबाजी में किए जा रहे उद्घाटन को लेकर संबंधित पंचायत, कांग्रेस और माकपा ने विरोध दर्ज किया है। रामपुर के समीप दत्तनगर में स्पोर्ट्स हॉस्टल व इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन किया जाना है, लेकिन स्थानीय पंचायत व युवक मंडल का आरोप है कि इस परिसर में न तो स्थायी रूप से बिजली पानी का कनेक्शन दिया गया है और न ही सीवरेज की प्रॉपर लाइन बिछाई गई है। अधूरे भवन के निर्माण को पूर्ण करने की औपचारिकता हो रही है, लेकिन कार्य पूर्ण होना संभव नहीं। दूसरी ओर रामपुर कॉलेज के कॉमर्स ब्लॉक का उद्घाटन किया जाना है, लेकिन फर्नीचर व अन्य कार्य अधूरे होने का आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दूर दराज 15-20 के फांचा पीएचसी भवन का लोकार्पण भी किया जाना है, लेकिन वहाँ न फर्नीचर है और न ही स्टाफ। हालांकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी संबंधित विभागों को भवनों को हैंडओवर पत्र लिखे जाने की बात कह रहे हैं, जबकि अन्य विभाग भवन अधूरे होने के कारण अपने अधीन इन भवनों को लेने से कतरा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग भवनों का आधा अधूरा निर्माण कर उद्घाटन कराने की जल्दबाजी में है। सीपीएम नेता बिहारी सेबकी ने बताया कि दत्तनगर में स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन किया जा रहा है। वे भवन अभी अधूरा है, बिजली पानी सीवरेज अधूरा है और लोक निर्माण विभाग ने भवन को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं किया है। इसी तरह रामपुर कॉलेज का कॉमर्स परिसर भी अधूरा है, फर्नीचर भी नहीं है और न ही कॉलेज प्रशासन को भवन ट्रांसफर किया है। इसी तरह से दूरदराज 15-20 फांचा का पीएचसी भवन लोकार्पण किया जाना है, वहां लेकिन न फर्नीचर है और न ही स्टाफ आया है और न ही स्वास्थ्य विभाग को भवन हैंडओवर किया है। उन्होंने कहा कि इतना भी जल्दी क्या है कि बिना पूर्ण कार्य के उद्घाटन किया जा रहा है, इससे लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री कल स्पोर्ट्स हॉस्टल दत्तनगर का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि अभी ये जो भवन बन के तैयार हुआ है अभी इनकम्प्लीट है, अभी बिजली पानी के कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, सीवरेज का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर सेप्टिक टैंक वगैरह बड़ा नहीं है, और जिसने ये बनाया पीडब्ल्यू विभाग ने अभी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को इसको हैंडओवर ही नहीं किया, अधूरा है और ये जल्दबाजी में इसको उद्घाटन करें। दूसरा है कॉमर्स ब्लॉक जो गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल कॉलेज रामपुर है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रामपुर है, उसका भी उद्घाटन कर रहे हैं। तो अभी भी वहाँ पर फर्नीचर वगैरह प्रॉपर नहीं पहुँचे वहाँ पर जितना होना चाहिए उस में ब्लॉक में, और पीडब्ल्यू विभाग ने इसको भी कॉलेज प्रशासन को ट्रांसफ़र नहीं किया। तीसरा है जो पीएचसी सेंटर फांचा है जो 15-20 इलाके में, उसका भी वही उद्घाटन करें। अभी ना तो वहाँ स्टाफ है आया है, ना फर्नीचर आया है और ना ही इसको स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र किया है। तो ये ऐसी जल्दबाजी क्या है, अगर उद्घाटन करना है तो प्रॉपर स्टाफ आए उस इलाके में जिसके लिए हॉस्पिटल बनाया है, वहाँ पर स्टाफ हो, फर्नीचर हो, लोगों को उसकी सुविधा मिले। उद्घाटन करने से तो लोगों को कोई सहायता मिलनी नहीं है, एक सफेद हाथी खड़ा कर दिया वहाँ पर, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पंचायत प्रधान दत्तनगर बीणा नेगी ने बताया कि दत्तनगर स्पोर्ट्स हॉस्टल के उद्घाटन होने की सूचना मिली है, लेकिन यहां के लोगों की शिकायत है कि हॉस्टल में बिजली पानी व अन्य कार्य अधूरे हैं और आधे अधूरे कार्यों के साथ इसका उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि वे सरकार के साथ हैं, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इसका काम पूर्ण होने पर ही उद्घाटन हो। जैसे कि हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन होना है, तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी यही डिमांड है कि यहाँ पे जितने भी मतलब काम हैं
मतलब पूरे नहीं हुए हैं, बिजली पानी और बहुत सारे वर्क हैं जो मतलब से अनकम्प्लीट हैं। तो स्थानीय जनता की डिमांड वैसे सही, बिल्कुल सही है कि यहाँ के जितने भी वर्क हैं पहले पूरे किए जाए, उसके बाद ही इसका उद्घाटन हो। मैं यही चाहती हूँ कि मतलब हमारी जो मेरे स्थानीय जनता है यहाँ पे, सबकी आवाज़ जो है CM साहब तक पहुँचे, ताकि यहाँ का कार्य पूरा किया जाए और उसके बाद ही इसका उद्घाटन किया जाए। चंद्रप्रभा पंचायत सदस्य दत्तनगर ने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन उनकी मांग है कि आधे अधूरे कार्य कर भवन का उद्घाटन न किया जाए, सभी कार्य पूर्ण होने के बाद ही इसका लोकार्पण हो, ताकि इसका सही लाभ हो। यहाँ पे कल ये स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन होना है। मेरी सरकार से यही नम्र गुजारिश है कि भाई इसका उद्घाटन जो है काम पूरा करने पर ही करें, कि भाई अधूरे काम में उद्घाटन ना करें। तो अभी क्या क्या काम बचा है ज़्यादा? काम तो इसमें ये देखो, यहाँ पे फेंसिंग बची है, उधर ये नीचे भी ऐसी रेत बिखरी हुई है, ना पानी है इसमें, ना बिजली है प्रॉपर इसमें। यही अभी यही चाहते हम, ये काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद उद्घाटन होए।